So guys, once again, welcome to all of you here. Guys, here I'm going to discuss about important facts related to your exam. Means lots of things here for discussing you, but basically I'm going to discuss one or two points related to your exam. So, मैं पहले बता देता हूँ आपको क्या मैं डिस्कस करने वाला हूँ. पहला नंबर तो भाई अभी तक ना नेवी एग्जाम डेट आया है ना एयरफोर्स एग्जाम डेट आया हूँ. मैं इसके बारे में बात भी नहीं करने वाला हूँ क्योंकि एयरफोर्स ने क्या बोला है, एयरफोर्स ने बताया कि सर सेकेंड वीक ऑफ जुलाई को बताएंगे और नेक्स्ट नेवी ने अभी कोई ऐसा अपडेट रिगार्डिंग एग्जाम से दिया नहीं है. एग्जाम का डेट तो खत्म, बट एक्सपेक्टेड मैं बोल देता हूँ यहीं पे स्टार्टिंग पे ही बोल देता हूँ कि सितंबर अपना टारगेट है कि सितंबर पे आपका एग्जाम होगा. सो आपके पास भाई सब पसीना बहुत निकलता है पता नहीं सॉरी सो आपके पास टाइम कितना है, 2 मंथ का मैक्स. 2 मंथ मीन्स आई कैन से 60 डेज. यू हैव 60 डेज, 60 डेज ठीक है. और उसके बाद एक सेकेंड गाइस, ओके नाउ फाइन, 60 डेज का आपके पास टाइम है. एंड नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं एग्जाम, तो ठीक है 60 डेज अपने पास टारगेट है. अभी आता है कि भाई क्या पढ़े, लाइक एग्जाम्पल के लिए मैं क्या कर रहा था लास्ट कुछ दिनों से, मैं फिजिक्स की भी वीडियो नहीं डाला ना डाला, प्रैक्टिस से डाला था चैनल पे. सो अभी क्या है, मैं प्रीवियस टाइम के जितने भी क्वेश्चंस हुए हैं आज से मैं चार मीन्स 2018 से जो भी मुझे यूट्यूब पे रिव्यू मिला है ऑलमोस्ट मैं पिछले 10 दिन से यही कर रहा हूँ, उन क्वेश्चंस को एक रजिस्टर पे एक कागज पे लिख रहा था. ऑलमोस्ट मैंने 10 पेजेस लिखे और कल कुछ डेमो के लिए मैंने टेलीग्राम चैनल पे आपको स्क्रीनशॉट भी, आप में से अगर जो भी वीडियो देख रहा होगा उसे पता होगा मैंने स्क्रीनशॉट फॉरवर्ड किए थे टेलीग्राम चैनल पे, और वहाँ पे बताया था कि हाँ कैसा क्या, मतलब कि ये मतलब मैं कैसे क्वेश्चंस तैयार करूँ एग्जाम्पल के लिए. लास्ट प्रीवियस डे में एयरफोर्स वाई ग्रुप का मैं पेपर पिक कर लेता हूँ और उसमें क्वेश्चंस की बात कर लेता है. सो वाई ग्रुप के एग्जाम पे जो भी क्वेश्चन आए थे पिछली बार, जो भी रिव्यू शेयर किए गए थे, 3-4 शिफ्ट 4 दिन पेपर हुए आपका, दिन में 2-2 3-3 3-3 शिफ्ट होती है. एयरफोर्स की नेवी MR की 4 होती हैं और अगर बात कर लेते डबल SSR की तो 3 शिफ्ट होती हैं. सो एग्जाम्पल के लिए मैं एयरफोर्स वाई ग्रुप का और नेवी MR का सिलेबस जितने भी क्वेश्चंस मुझे मिले सारे एक जगह लिख लिए हैं और उसके बाद उनका एक PDF बना रहा हूँ प्रोफेशनल बिल्कुल ठीक है, ई बुक टाइप में. बट मैं कोई बिल्कुल हाई फाई प्राइस राइस कोई ऐसा नहीं रखूँगा ठीक है कि कोई ना बाई कर पाए, बट ये मैं बता रहा हूँ कि अगर आप में से अगर कोई भी उसे अभी नहीं मैं लॉन्च करूँगा, मैं आप सभी को बता दूंगा, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं केवल नहीं बना रहा, उसमें मेरे काफ़ी दोस्त हैं जिन्होंने एग्ज़ाम वगैरह क्रैक किया है और उनकी मदद से मैं वो क्रिएट कर रहा हूँ. आई थिंक वो काफ़ी बेनिफिशियल होगी जिसमें सारे के सारे वही क्वेश्चंस हैं, ये मैटर नहीं. और मैं एक बात बता दूँ, जैसे कि क्वेश्चंस मैं बोथ लैंग्वेज पे करा रहा हूँ, उन्हें इंग्लिश से हिंदी पे भी कन्वर्ट कर देता हूँ और उसके बाद इंग्लिश से हिंदी पे कन्वर्ट करने के बाद दूसरे को उन्हीं PDFs पे उसके आंसर्स भी करा रहा हूँ, मतलब बिल्कुल प्रोफेशनल आपको दिखाऊंगा, जल्दी आपको दिखाऊंगा. उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, इस वजह से ना फिजिक्स करा पा रहा हूँ अभी और ना मैथ मीन्स रागा प्रैक्टिस सेट. चलो कोई बात नहीं, बट एज सून एज मतलब बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ. अभी मैं क्लासेस का बता देता हूँ, फिजिक्स प्रैक्टिस सेट और फिजिक्स MCQ या फिर नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं GK का, GK तो ओवरऑल ईजी हो जाता है, GK मीन्स फुल रागा ठीक है. सो आज कितना 3 तारीख होने चला, सो मैं आज तो एक प्रैक्टिस सेट हो सकेगा अपलोड करूँगा, अदर 5 तारीख से 5 जुलाई से रेगुलर रहूँगा. रेगुलर तो हूँ ही, मैं बोल रहा हूँ ना कि मैं काम कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, मैं प्रीवियस टाइम के सारे क्वेश्चंस लेके प्रैक्टिस सेट बना रहा हूँ. ऑलमोस्ट 50% क्वेश्चंस मिलते हैं. एग्जाम रिव्यू जो हम शेयर करते हैं तो हमें कौन से क्वेश्चन याद रहते हैं जो ईजी होते हैं, सेम उसी बेस पे परीक्षा के बेस पे मैं यहाँ पे प्रिपेयर कर रहा हूँ. जैसा एग्जाम परीक्षा पे आता है वैसा ही बिल्कुल सेम बेस पे यहाँ पे भी कर रहा हूँ. जस्ट अ सेकेंड, कोई नहीं ठीक है. सो उस बेसिस पे अगर नेक्स्ट यहाँ पे बोलता हूँ, सो जल्दी आपके लिए मैंने क्लासेस रेगुलर करनी है ठीक है. उसके बाद तीसरी चीज मैंने लिखा, मैं क्या कर रहा, मैंने तो बोल दिया कि मैं आपके लिए एयरफोर्स वाई ग्रुप का, अभी बहुत ज्यादा कैंडिडेट मैंने टेलीग्राम पे शॉर्ट्स ऑफ पोल डला पूछा भाई मैंने केवल वाई ग्रुप का किया है ठीक है, तो कैंडिडेट ने बोला भाई अरे यार मतलब एक्स ग्रुप का भी कैंडिडेट क्या बोला, आप लोगों में से बहुत लोगों ने बोला कि भाई साहब ऐसा ना करो, चैट वाले पे आई थिंक मैंने डाला था जो अपना चैट वाला ग्रुप है ऑनलाइन एजुकेशन चैट पे, उस पे मैंने पूछा भाई ऐसा करा दिया जाए, तो उन्होंने बोला एक्स ग्रुप का भी कर दो आप. सो मैं अभी मॉर्निंग पे आज ऑलमोस्ट 4 बजे जगा था, उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस मुझे मिल रहे हैं वो रजिस्टर पे मैं लिखता जा रहा हूँ ठीक है. रजिस्टर पे देखो एक सेकंड दिखाता हूँ आपको डेमो के लिए, एक सेकंड गाइस, ये देखो पूरा का पूरा जो आंसर सीट है
दिख रहा है, राइटिंग मेरी ऐसी खराब बनती है, ठीक है। सो इनके उसके बाद लिखने के बाद उनके आंसर्स टाइप करना, आंसर्स मतलब कि राइट निकाला गूगल की हेल्प से, क्योंकि फिजिक्स हो गया, मैथ हो गया, टेक्निकल मैथ नहीं, अर्थमेटिक मैथ का हर एक क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, ठीक है। या फिर जीके का कोई क्वेश्चन हो गया, जैसे कि मैंने उसमें क्वेश्चन देखा तब आया था कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, ठीक है, तो तब कोई और था, या फिर हुंडई का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, किसी भी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, ठीक है। अब कोई एंशियंट मीन्स हिस्ट्री का क्वेश्चन तो वो तो बिल्कुल सेम ही था, बट अगर मैं बात कर लेता हूँ ओवरऑल, सो वो डिफरेंट हो गया, करंट के क्वेश्चन डिफरेंट है। सो करंट के क्वेश्चन मैं अपने बेसिस पे वहाँ पे डाल दे रहा हूँ जो मुझे अच्छे लग रहे हैं, अभी का लेटेस्ट का लाइक COVID-19 से रिलेटेड भी डाल दे रहा हूँ, या फिर गेम्स हमेशा क्वेश्चंस, मुझे बेसिकली पता है कि किस टाइप का पेपर आता है, बाकी आप सभी बताना, मैं रिव्यू के लिए आपको सभी कुछ सब कुछ दिखा दूंगा, ठीक है। और पढ़ाई करते रहो, जो भी आपके डाउट्स बनते हो किसी भी टाइप का, एग्ज़ाम अभी नहीं सितंबर टारगेट होगा, एंड स्पेशली एक चीज़ बता देता हूँ कि ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं होगा, जब भी एग्ज़ाम डेट आएगा मैक्सिमम यू हैव 15 डेज, बट अभी मैक्सिमम के चक्कर में मेरा पसीना बहुत ज़्यादा निकल रहा है और लाइट आती नहीं यहाँ पे, बस मैं फ़ोन कैसे चार्ज करता हूँ नहीं जानता हूँ, चलो कोई ना। और सो गाइज प्रिपरेशन करते रहो ब्रदर, एंड मैंने आपको दो तीन चीज़ें बतानी थी, सो मैं आपको जल्दी वो मीन्स आपके सामने लाऊंगा, एंड आप सभी ये कमेंट करके बता सकते हो कि उसका मैं प्राइस क्या रखूँ, बिल्कुल कम से कम बताना, ठीक है। और ऑलमोस्ट मैं बताऊँ तो कितने पेजेस का है, प्रैक्टिस सेट है हम लोगों, ठीक है, 5 प्रैक्टिस सेट हैं, और मीन्स बोथ लैंग्वेज पे हैं, विद सॉल्यूशन है एंड प्रोफेशनल में हैं, लाइक इंटरेस्टिंग आपको लगेगा, ठीक है। आप में से अगर किसी ने एग्ज़ाम क्रैक किया होगा तो बिल्कुल लगेगा कि हाँ भाई इसी टाइप का पेपर आता है, देखना एक डेमो भी मैं आपको करा दूंगा, जैसा भी होगा वो मैं आपको खुद सॉल्व करा दूंगा, ओके। सो बाय बाय, टेक केयर, एंड एग्जाम सितंबर पे होगा, एक्सपेक्टेड है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, बाकी मैं कोई वैसे नहीं बता रहा हूँ। सो हाँ, एक बात और बता देता हूँ, आप सभी एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप का फ्री में डेमो टेस्ट देना चाहते हो, सो परीक्षा 5 तारीख को होने जा रहा है, फ्री में, कुछ नहीं वहाँ पे चार्जेस देना आपको, आप जाके दे सकते हो, ठीक है ना। तब तक के लिए बाय बाय, मैं यहाँ पे एक लिंक दे दूंगा, मीन्स वो स्क्रीनशॉट, बाकी परीक्षा आप चेकआउट कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एयरफोर्स सेक्शन वाई ग्रुप नेवी डबल SSR के लिए आप वहाँ पे बेस्ट टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, सो यू कैन चेकआउट देयर, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी देन डेफिनेटली मुझसे आस्क करो, जल्दी आपको मैं व्हाट्सअप नंबर भी अपना दे दूंगा, सो आप उससे वहाँ पे भी बात कर पाओगे, ओके। सो बाय बाय, टेक केयर, एंड क्लासेस भी रेगुलर होंगी, जैन अपना ख्याल रखो, अपने पेरेंट्स ख्याल रखो, बाय बाय।